अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मैनचेस्टर में हूँ स्टॉकपोर्ट रोड पे, और स्टॉकपोर्ट रोड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, अल वाली रेस्टोरेंट। आज दोस्तों के साथ प्रोग्राम है कि यहाँ पर खाना खाएंगे, और यहाँ पे बुफे है तो आज बुफे खाते हैं। यहाँ पर हम पहले भी वहाँ यहाँ पर काफ़ी दफ़ा बुफे खा चुके हैं, लेकिन आज आपको दिखाते हैं। इनके एंट्रेंस बहुत खूबसूरत बनाई हुई इन्होंने। ये नीचे इनके नदीम सुपर स्टोर है, और यहाँ से आपको सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वगैरह मिल सकती हैं, और ऊपर पहले फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। ये रेस्टोरेंट है, ये अलवालीस बुफेट रेस्टोरेंट, नीचे नदीम सुपर स्टोर, और ये इनकी बहुत बड़ी एक पार्किंग है। यहाँ पर 40 से 50 गाड़ियाँ बड़े आराम से यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, पार्क हो सकती हैं। तो अगर आप गाड़ी पर भी आते हैं तो बड़े आराम से गाड़ी पार्क करें और खाना खाएँ। और ये इस तरफ जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये स्टॉकपोर्ट रोड है। तो स्टॉकपोर्ट रोड पे आप थोड़ा सा राइट को एंटर होंगे तो आपको ये अलवाली रेस्टोरेंट नज़र आ जाएगा। आप गूगल में भी इसे देख सकते हैं। तो आइए अभी अंदर चलते हैं और आपको इनके एंट्रेंस दिखाते हैं। ये यहाँ से दरवाज़ा पुश करेंगे, ये देखिए जी, ये इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है यहाँ से। हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन, फूल गुलाब के पत्तियां। और मेरे साथ ये जावेद साहब है, मेरे दोस्त। दो ऊपर जाके बैठ गए हैं और दो हम नीचे हैं, थोड़ा ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं ऊपर, तो पहले फ्लोर पे चलते हैं और आपको ऊपर खाने का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इनकी एंट्रेंस है। ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं हम, पहले फ्लोर पे जाएंगे। बहुत खूबसूरत अच्छे से ये वाइट फ्लावर्स से, फल फूल तो सारे नकली हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से इसको सजाया हुआ है। और ये थोड़ा सा मैं बैक का व्यू फिर इस तरह आपको दिखा दूं। वहाँ से हम नीचे से ऊपर आए हैं और यहाँ से हम अभी एंटर होंगे। देखे ना देखे, शबीर तो देख रहा है ना। अच्छा, शेफ नो की दसना है जी, शेफ को बताना है कि शबीर आया, और कोई देखे ना देखे शबीर तो देख रहा है। शबीर साहब की कह रहे हैं कि 6 नंबर है, अंदर लकी नंबर है खान पीन के मामले च। जी बुफेट पे आ गए और सबसे पहले हम लोग सूप पीते हैं। तो ये मैं तो अपने लिए सूप ले गया हूँ, और जावेद साहब अपने लिए सूप डाल रहे हैं अभी। ये क्या चीज़ डाल रहे हैं, सोया सॉस? ओके। और ये चिली सॉस, विनेगर, और साथ में ये नींबू फ्रेश और चम्मच। सूप आ गए और जावेद साहब थोड़ा साथ में सैलड वगैरह भी लेके आए हैं। तो अब दिखाते हैं निसार साहब को और शबीर भाई को, बहुत भूख लगी हुई थी तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया चीज़ें देख के। शबीर भाई सबसे पहले सलाद खा रहे हैं और हम तीनों सूप पी रहे हैं पहले। क्यों जी साहब, सूप कैसा बना है? जी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। शबीर भाई सैलड चखण वास्ते लैके आए ने, अभी बाद खाने वास्ते बाद लिया ना इन्होंने। जी जैसे मैंने अभी आपको बाहर बताया था कि हम इस वक्त अलवाली रेस्टोरेंट पर हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई आपका नाम? शराफ। शराफ साहब आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं? तकरीबन 12 ईयर्स हो गए सर। 12 ईयर्स। तो आप थोड़ी अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे कि ये स्टॉकपोर्ट रोड से आते हुए यहाँ पे जी जी स्टॉकपोर्ट रोड पे 11 जून में आएंगे। 11 जून में हमारा रेस्टोरेंट है अलवालीस के नाम से, और तकरीबन 150 बंदे बैठते हैं। 150 बंदे एट ए टाइम खाना खा सकते हैं जी। ये इनका जी अंदर ये सीटिंग प्लान है, और यहाँ पर तकरीबन 100 आदमी की जगह ये इधर है, और 50 लोगों के बैठने की जगह ये बाहर है। तो 150 लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं, और ये इनका बूफे का सिस्टम है। तो आइए इनको थोड़ा साथ लेते हैं और थोड़ा इनसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या इन्होंने इनका होता है बूफे में। यहाँ से थोड़ा शुरू कर रहे हैं हम, ये यहाँ से आप
स्पून और प्लेट वगैरह लेंगे। और ये थोड़ा बताएंगे, सैलड बार है ये सैलड बार है इसमें जी। इसमें मैंगो चटनी, चिली, कॉर्न, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से आप थोड़ा चलते हुए इधर आप भी ये स्टार्टर आगे आ जाएंगे। ये स्टार्टर है, इसमें ये सूप है, चिकन का सूप। ये चिकन कॉर्न सूप है जी, स्टार्टर में। ये सबसे पहले ये सीख कबाब है जी। किस चीज़ का सीख कबाब है? चिकन का सर, चिकन और लैम मिक्स। चिकन और लैम मिक्स सीख कबाब है जी ये। और ये चपली कबाब आ गए सर। ये चिकन चपली कबाब आ गया आगे। भाई थोड़े और भी डाल रहे हैं उधर, उसमें जैसे जैसे ख़त्म होते जाता है फ्रेश डालते जाते हैं। चिकन रोस्ट है सर ये, यहाँ पे चिकन रोस्ट आ गया जी। ठीक है जी। ये फिश पकौड़ा आ गया सर। ये फिश पकौड़ा है जी, फ्राई फिश कह सकते हैं आप, बोनलेस। चिकन टिक्का, और ये यहाँ पे चिकन टिक्का है इनका, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा। और ये काफ़ी सारी चीज़ें पड़े हैं और इनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं, पिज़्ज़ा, चिकन विंग्स, वेजी पकौड़ा और वेजी समोसा, आलू पकौड़ा, चिप्स, पास्ता, चिकन नगेट्स और रोस्ट पोटैटोज हैं इनके। ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं ये यहाँ पे आप नीचे जो आपको पसंद है ले सकते हैं आप। और पीछे बड़ा खूबसूरत व्यू बनाया है इन्होंने, फिल्मों के पोस्टर लगाए हुए हैं सारे माशाल्लाह जी। और ये आगे आपकी ये जी फ्रेश नान है यहाँ पर। ये पिलो राइस, ये राइस पिलाओ है जी। ठीक है। और ये एग फ्राइड राइस है इनका। चिकन अचारी और ये मेरा भी फेवरेट है, ज़बरदस्त। चिकन कढ़ाई, ये यहाँ पे जी इनकी चिकन कढ़ाई है ये। और ये यहाँ पे लैम्ब कढ़ाई है जी। ठीक है जी। ये बीफ कढ़ी, ओके, ये बीफ कढ़ी है जी इनकी। ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़बरदस्त है, अभी ट्राई करते हैं। ये सर अंडा कोफ्ता, ये यहाँ पर जी इनके अंडा कोफ्ता है। और ये जो कोफ्ता है ये चिकन का, चिकन का, ये चिकन का अंडा कोफ्ता है। ये हलीम, ये यहाँ पे हलीम है जी। ज़बरदस्त, ये देखें जी, ये निहारी है यहाँ पे जी। ये यहाँ पे क्या है जी? ये पाए सर, ये बीफ पाए या मटन है? ये लैम्ब पाए, लैम्ब का पाए, ओके। ये लैम्ब पाए है जी, छतरे के पाए हैं ये, ओके। ये फिश करी, और ये फिश में एक और चीज़ है जी, ये फिश करी है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। चने, और ये जनाब लाहौरी चने आ गए जनाब, चना मसाला। और ये यहाँ पर स्वीट राइस, और नीचे इनके ज़बरदस्त गरम गरम आग जल रही है, और ताकि ये सारे खाने गर्म रहें। ये डिज़र्ट है सर। तो ये आगे जो पोर्शन है वो डिज़र्ट का है, और इसमें ये गुलाब जामुन, गाजर हलवा, गाजर का हलवा है। और ये यहाँ जेलीज़, ये दोनों जेलीज़ हैं, कस्टर्ड दोनों आगे, ये दोनों कस्टर्ड है, फिरनी, और लास्ट पे ये फिरनी है। और आगे जो ये बच्चों का सबसे फेवरेट पोर्शन, ये जनाब आइसक्रीम्स, ज़बरदस्त जी। चलें, और पीछे माशाल्लाह बड़े लाहौर का व्यू लग रहा है ये पीछे। ये भी लाहौर है, लाहौर, ये लाहौर वो इंडिया जी। ये जनाब लाहौर का व्यू है, और ये इनके पीछे ये भी लाहौर का व्यू है, और ये इंडिया का ताजमहल इधर। चले अभी खाना शुरू करते हैं, और फिर आपको टेस्ट भी बताते हैं इसका। तो यहाँ से प्लेट लेते हैं, ये छुरी ले लें, थोड़ा सैलड वगैरह ले लें। ये सब लोग खा चुके।
चुके हैं, मैं स्टार्टर बना रहा हूँ थोड़े से चने डालूंगा। ये ऊपर वाली प्यूनिया है, थोड़ी सी कॉर्न, कैबेज, ये थोड़ी सी चिली, थोड़ी सी ये चटनी डालूंगा, ये टमाटर भी है, ये ज़्यादा थोड़ी सी क्योंकि इसमें ये है वो पुदीने वाली चटनी, क्योंकि स्टार्टर में जो कबाब वगैरह लेने ना उसके लिए सीख कबाब मेरे फेवरेट, चटनी कबाब सिर्फ एक लूँगा क्योंकि प्लेट ज़रा स्टार्टर वाली बनानी है। ये चिकन थोड़ा सा इसको स्टीम भी किया हुआ है, इसका एक पीस ले रहा हूँ, और ये फिश पकौड़ा यहाँ पर मेरा फेवरेट, ये दो तीन पीस लूँगा जी। चिकन टिक्का दो पीस, टेबल पे चलते हैं। चलें जी थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फिश पकौड़ा, अच्छा ये चिकन और लैम मिक्स से कबाब है ये उसके, थोड़ा सा चिकन टिक्का ट्राई करूँगा, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और ये प्लेट अब मैं फिनिश करके फिर अगला पोर्शन आपको दिखाता हूँ उनका टेस्ट क्या है। सेकंड पोर्शन तो ये वाला है, लेकिन ये ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, मैं इसे ज़रा थोड़ा अभी छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में देखेंगे अगर कुछ खाना होगा तो। मैं जो मेरा फेवरेट है चिकन अचारी, थोड़ा सा ये मैं एक मिक्स प्लेट बनाऊँगा, चिकन फ्राई भी आ रही है, और ये लैम फ्राई, ये थोड़ा अभी ट्राई करूँगा, और साथ उधर नान ले लें, पीस नान भी ले लेते हैं साथ, अभी इसको जाके टेबल पे खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। सबसे पहले थोड़ा लैम ट्राई करते हैं, चिकन कढ़ाई इस वास्ते इंजॉय कर रहे हैं, जिस दिन बारिश आती होती है पैसे देने की उस दिन इंजॉय नहीं होता। चिकन अचारी बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, लेकिन जो तो मैं सोचना कि पैसे मैं देने ने वो तो मज़ा तक किरकिरा हो जाएगा। ये जी ये चार चीज़ें लेके आया हूँ यहाँ पे, ये हलीम है राइट पे, उसके ऊपर थोड़ा बीव है, साथ ये कोफ्ता है, और इस तरफ ये फिश मसाला है, तो अभी इसको भी ट्राई करते हैं। ये खाना हम खा चुके हैं और अब स्वीट डिश का टाइम है, उसी की लेना ये गाजर का मतलब जवेद साहब तुसी की लिया है सर, ये फिरनी है और ये कस्टर्ड है और ये बनोला की खीर है, तीन डिफरेंट चीज़ें। शबीर साहब की लिया जी तुसी सर, गाजर का हलवा के नाल फिरनी फिरनी लेई है,
निसार साहब आप क्या ले रहे हैं जी? कस्टर्ड। ये कस्टर्ड अलहदा लिया है जी, ये रख दो। 3-in-1 कर लेना था। नहीं, तो 3-in-1 में मज़ा नहीं आता ना, मिक्स हो जाता है। ट्रॉपिकल हो जाना था। अच्छा साहब आप क्या ले रहे हैं जी? ये 3-in-1 ले रहे हैं, थोड़ा सा गाजर का हलवा डाल दे। हलवा गाजर का? हलवे का गाजर, थोड़ा सा हलवे का गाजर। ये सारी चीज़ें शुगर फ्री है ना? ये शुगर के पेशेंट है इसलिए। मुझे भी बना दें, मेरी प्लेट थोड़ी डिफरेंट होगी। 2 गुलाब जामुन, शीरा निचोड़ के थोड़ा सा, ये मेरा थोड़ा सा गाजर का हलवा, इधर से थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से बटर ना आए। जो ये नासर भाई सीधा सूरीनाम से यहाँ पे ही आए हैं और आज हम लोग यहाँ पे वाली रेस्टोरेंट पे ये बूफे करवा रहे हैं। ये खुद डाल लें जी? ओके जी, ये जर्दा खुद डाल लें जी। तो ये जर्दे में ज़रा थोड़ी मिठाइयाँ वगैरह निकाल रहा हूँ। जर्दे के ऊपर वैसे गुलाब जामुन आपने बाद में लेने होते हैं, इसको साथ थोड़ा तोड़ तोड़ के चम्मच के साथ ना, तो ये जर्दे के साथ खाऊँगा। मेरी प्लेट बन गई है जी, जर्दा गुलाब जामुन हलवा गाजर का, गाजर का हलवा। चलेंगे अभी खाते हैं। सारे जवान बैठे हुए हैं जी, खा रहे हैं। और वो दोनों जवान जो दूसरी तरफ हैं, इनको शुगर और इसलिए ये सारी शुगर फ्री चीज़ें खा रहे हैं। इसलिए शुगर खा रहे हैं जी, सबसे कम शुगर यहाँ पे। वो जैसे कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह शुगर को शुगर के साथ काट रहे हैं ये। शुगर ना कोई चले, ये थोड़ा खा के देखते हैं। क्या बिल है जी साढ़ा? 68 जी, 68। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। ओके, इंशाल्लाह फिर सही रही। बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त था खाना जी। थैंक यू, इंशाल्लाह। ओके जी, खाना खा लिया है और अब जनाब बाहर जा रहे हैं। अब देखते हैं, कोई चाय वगैरह का प्रोग्राम बन रहा है तो चाय पीते हैं इंशाल्लाह फिर जाके। अभी ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अलार्म की? बंदा गया है, पैसे नहीं दे के गया।